हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मेड इजी बाय आरती जोशी। सो आई एम हियर अगेन टू टीच यू थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट ऑफ क्लास 10th इंग्लिश। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। सो दिस चैप्टर हैज़ टू स्टोरीज। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू स्टोरीज, टू पार्ट्स। टू स्टोरीज आर देयर। फर्स्ट स्टोरी इज हिज फर्स्ट फ्लाइट and second story is black aeroplane. Both the stories have the same theme, courage. Both the stories tell us about courage and tireless effort. Courage means अगर आपके अंदर हौसला है, कुछ करने का हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. In the first story we will read about a seagull who was very much afraid of flying. He was very small and he was very afraid of flying, and we will read how he conquered his fear and how he was able to fly. And in the second story is about a pilot who was flying his old aeroplane Dakota, but suddenly his aeroplane was surrounded with black clouds and how he was able to land safely. So this is again because of his courage. So let us read first part of the story in this video first. The first story is his first flight, written by famous writer Liam O'Flaherty. So this kind of story is very popular in the students. Why? Because it is animal based story. Ek seagull pe based hai. Seagull, you know what is seagull? Seagull is a small bird which is very much famous to dive in sea. So एक समुद्री चिड़िया की कहानी जो बहुत डाइव के लिए फेमस होती है, एकदम से डाइव करती है मछली पकड़ के फिर वापस उड़ जाती है. So that kind of bird. So let me introduce the story first. So in this story, a seagull who gains courage and learns to fly. Actually he had lost his courage to fly and given up the hope, but he was encouraged by his mother to make an attempt, and finally he succeeded. He started flying just like his brothers and sisters. Ek seagull ki kahani hai. Us seagull ke do brothers the, ek sister thi, aur sabhi uske brother sisters jo the wo bahut acche se udna jante the, lekin wo ek aisa pakshi tha jo bahut hi डरपोक किस्म का पक्षी था. ही वॉज़ वेरी मच अफ्रेड. ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट आई एम वेरी वीक, इफ़ आई विल अटेम्प्ट टू फ्लाई आई विल फॉल डाउन. उसे ये लगता था कि अगर मैं उड़ूंगा कुछ होगा और मेरे जो पंख हैं वो उड़ नहीं पाएंगे और मैं गिर जाऊंगा. लेकिन फिर उसकी मदर ने उसको इनक्रेज किया. उसकी मदर ने एक टैक्टफुल तरीके से उसको सिखाया कि कैसे उड़ा जाता है, और उसने एक एफर्ट किया उड़ने का, और उसके बाद ही वॉज एबल टू सक्सीड. सो लेट अस स्टार्ट विद द समरी. अ यंग सीगल्स फैमिली लिव्ड ऑन अ लेज. व्हाट इज लेज? लेज इज क्लिफ, क्लिफ ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी का किनारा. एंड इन दैट लेज देयर वॉज अ होल वेयर द फैमिली वॉज लिविंग. द यंग सीगल वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. ही वॉज अ स्लो लर्नर. सब ब्रदर सिस्टर बहुत अच्छे से उड़ना जानते थे, लेकिन वो बहुत ही स्लो लर्नर था. उसको उड़ने से बहुत डर लगता था. हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, बट ही कुड नॉट गैदर करेज टू टेक हिज फ्लाइट. उसके ब्रदर सिस्टर रोज जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ. हिज पेरेंट देयर पेरेंट्स दे यूज टू ट्रेन द किड्स हाउ टू फ्लाई, हाउ टू डाइव. बट ही वॉज वेरी मच स्लो लर्नर. वो डरता था, उसे लगता था ही कुड नॉट फ्लाई. ही वॉज कोल्डेड एंड इवन थ्रेटन्ड बाय हिज मदर, हिज फादर. ही वॉज लेफ्ट अलोन बाय हिज पेरेंट्स ऑन द लेज. और उसके मदर फादर उसको बार बार थ्रेटन करते थे, डराते थे कि हम तुझे अकेला छोड़ देंगे. लेकिन वो कभी भी हिम्मत नहीं कर पाता था, जुटा नहीं पाता था कि वो उड़े. और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो वॉचिंग हिज पेरेंट्स ट्रेनिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर. वो वहीं लेज से बाहर आके लेज
पे खड़ा होके अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को देख रहा था. व्हेनेवर ही यूज्ड टू सी द सी, जब उसको सी को देखता था उसका मन होता था उड़ने का, बट वो उड़ नहीं पाता था. उसको बार बार ये लगता था कि काश मैं भी उड़ पाता. ही ऑलवेज यूज्ड टू विश, ही यूज्ड टू से आई विश आई कुड फ्लाई. हमेशा उसको ये लगता था काश मैं भी उड़ पाता. बट ही वॉज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि इट्स सो हार्ड कि अगर मैंने कोशिश भी की उड़ने की तो मेरे पंख जो हैं वो मुझे उड़ा नहीं पाएंगे, मैं उड़ नहीं पाऊँगा और मैं फ्लाइट नहीं ले पाऊँगा. लेकिन उसके जो ब्रदर्स सिस्टर्स थे वो हमेशा अपने पेरेंट्स से ट्रेनिंग लेते रहते थे. दे यूज़ टू फ्लाई, दे यूज़ टू डाइव एंड ही यूज़ टू सी फ्रॉम द लेज ओनली. एंड ही वॉज ऑलवेज टॉर्चर्ड बाय देम. बार बार उसको कॉवर्ड बोलते थे, डरपोक बोलते थे. बट उसका मन तो था कि वो उड़े, लेकिन ही फेल्ट वेरी सैड बट ही डिडेंट ट्राई टू फ्लाई. उसे बुरा लगता था कि उसको बार बार कोई कावड़ बोलता है, उसे बार बार कोई बुरा बोलता है, लेकिन वो उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था. द सीगुल वॉज वेरी हंग्री. ही केम आउट ऑफ लेज एंड प्रिटेंडेड टू बी असलीप जस्ट टू गेन अटेंशन. अब वो अकेला था पहाड़ी पे और उसको भूख भी लगी थी, उसका मन था कुछ खाने का और उसे लग रहा था कि कोई मुझ पे भी ध्यान दे. वो बार बार जानबूझ के आंखें बंद करके ही वॉज प्रिटेंडिंग. प्रिटेंडिंग मीन्स टू शो ऑफ. वो शो ऑफ कर रहा था कि जैसे वो सो रहा है, कि जैसे उसको कुछ हो रहा है, एंड ताकि बार बार आंखें बंद बंद करके, ताकि उनको लग रहा था कि वो अटेंशन गेन कर पाए, कोई उसकी तरफ ध्यान दे. बट एवरीबडी वॉज इग्नोरिंग हिम, एवरीबडी वॉज स्कोल्डिंग हिम. उसको डांट पड़ती थी, उसे हर कोई इग्नोर करता था. हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी माँ उसको देख रही थी. शी टोर अ पीस ऑफ फिश एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज हर बीक ऑन द रॉक. और उसके बीक में एक फिश थी, उसकी चोंच में एक फिश थी. और वो शी केम ऑन अ प्लेटियो, प्लेटियो के ऊपर आ गई. उसके ऑपोजिट पे एक पहाड़ी थी जहाँ के प्लेटियो, यू नो प्लेटियो इज़ अ फेयरली लेवल हाई ग्राउंड, मीन्स पठार जिसको आप बोलते हो. तो उसके ऊपर वो बैठी हुई थी लेज के बिल्कुल ऑपोजिट बैठ के वो अपनी चोंच रगड़ रही. स्क्रैप्ड मीन्स शी वॉज रबिंग बीक ऑन बोथ द साइड जस्ट टू मेक इट शार्प. तो उसको वो रगड़ रही थी बिकॉज उसने वो मछली को टियर करने के लिए. वैन ही सॉ द यंग सीगुल ही वॉज लुकिंग एट हर मदर एंड ही वॉज वेरी मच हंग्री, यू नो दैट, बिकॉज उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया था. एंड वैन ही सॉ फ्रॉम द लेज, ही वॉज जस्ट अपोजिट टू दैट प्लेट्यू, ही फेल्ट मैड आफ्टर सीइंग द फूड. वो बिल्कुल पागल हो गया फूड देख के, बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री. ही क्राइड फॉर फूड. जैसे उसने माँ की चोंच में वो मछली देखी और वो एकदम से वहाँ से जोर जोर से चिल्लाने लगा बिकॉज ही वॉन्टेड फूड. वैन ही सॉ हिज मदर विथ फूड, ही ट्राइड टू कम नियर हिज मदर टू गेट फूड. उसकी माँ भी उसकी तरफ उड़ने लगी और वो भी थोड़ा सा बाहर आके एकदम से आगे लज के आगे आने लगा जस्ट टू ग्रैब फूड. उसे ये था कि वो फटाफट अपना फूड पकड़ ले माँ से. और जैसे वो चिल्लाया तो उसकी मदर उसकी तरफ उड़ने लगी एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी मच डेस्परेट टू कैच द फूड. नाउ वॉट हैपन्ड, द सीगल वॉज नाउ आउट ऑफ द लेज. जैसे ही उसने ही लेप्ट फॉरवर्ड बट ही मिस्ड इट. वॉट हैपन्ड, ही फेल्ट डाउन बिकॉज मदर शी फ्लू अवे एंड ही कुड नॉट गेट द फूड एंड ही फॉल डाउन. वेन ही फॉल डाउन सो ही वॉज हॉरीफाइड. अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे. वो जैसे ही गिरा उसे लगा अभी मर जाऊँगा, एकदम से डर गया. देन ही गैदर्ड हिज करेज. उसने एकदम से अपने आप में हिम्मत जुटाई एंड ही स्टार्टेड फ्लैपिंग हिज विंग्स. और उसने अपने विंग्स को फ्लैप करना शुरू कर दिया और एकदम से क्या हुआ, ही स्टार्टेड फ्लाइंग बिकॉज हिज मदर शी डिड नॉट अलाउ हिम टू रीच
the food. In this process of catching food, he fell off the ledge, and at first he felt horrified, but he had no option. He tried to spread his wings and flapped them to fly. उसकी मदर ने उसको फूड तो दिया नहीं, वो तो उड़ गई, और फूड पकड़ने के चक्कर में वो वहाँ से गिर पड़ा. अब पहले तो एकदम डर गया, लेकिन जैसे उसने विंग अपने फ्लैप करे, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ही स्टार्टेड फ्लाइंग. ही फाउंड हिमसेल्फ सोरिंग इन टू द स्काई. उसे एकदम से फील हुआ कि वो उड़ने लगा है. नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. नाउ एज हिज मदर हैज़ टैक्टफुली टॉट हिम हाउ टू फ्लाई. ये उसकी मदर का प्लान था, उसने एकदम टैक्टफुली उसको उड़ना सिखा दिया था. ही वॉज वेरी हैप्पी नाउ द सीगल. नाउ ही वॉज फ्लाइंग वेरी कॉन्फिडेंटली. अब वो बहुत खुश था क्योंकि वो उड़ने लगा था. नाउ ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन फ्लाइंग एंड हिज फैमिली हैड ऑलरेडी लैंडेड ऑन द सी. और अब उसकी जो फैमिली थी वो सी बेड पे लैंड कर रही थी, क्योंकि उनको डाइव करना भी आता था, उसको वो भी सीखना था. ही हैड टू फॉलो देम. ही वॉज फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड. फर्स्ट टाइम उसने फ्लाइट ली थी. ही वॉज टायर्ड, एग्जॉस्टेड, थक चुका था. ही फेल्ट एज इफ हिज फीट वर सिंकिंग इन टू द सी. उसे ये लगा जैसे उसके पैर उस सागर के पानी में डूब रहे हैं. हिज बैली टच्ड द ग्रीन सी. उसकी बैली, उसका पेट जो था, एकदम टच कर रहा था पानी के साथ. एंड देन ही फाउंड दैट ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. और फिर उसे लगा कि वो तो तैरने भी लगा है. ही वॉज वेरी एक्साइटेड एज हिज ऑल फैमिली मेम्बर्स वॉज दे वर इनकरेजिंग एंड प्रेजिंग हिज एफर्ट्स. उसके सारे फैमिली मेम्बर्स इतने खुश हो गए कि उसने एफर्ट किया और वो जीत गया. नाउ ही वॉज एबल टू फ्लाई. ही वॉज एबल टू फ्लोट. After all, he had made his first flight. और last में आखिरकार वो जीत ही गया, क्योंकि उसने अपनी first flight ले ली थी. Now, what is the moral of the story? It tells us that fear is the most negative feeling that blocks our progress. One can conquer it with courage and sincere efforts. जब तक हमारे अंदर सिंसियरिटी नहीं होगी, डिटर्मिनेशन नहीं होगी, तब तक हम कभी नहीं जीत सकते. हमने सुना है ना वो एक एड माउंटेन ड्यू की, डर के आगे ही जीत है. तो दिस इज़ द सेम थीम ऑफ द स्टोरी, जस्ट लाइक दैट, कि जब तक हम अपने डर को नहीं जीतते, हम कभी भी नहीं जीतते. तो द सीगल ऑल्सो बेसिकली इट वॉज हिज फियर. Because of that, he could not fly. But जब उसने हिम्मत दिखाई तो he was able to fly. I think you might have understood the chapter. So thank you, children. And I hope you will like, share and subscribe my channel. Thank you very much.